तू निश्चय तो कर, कदम तो उठा, निकल आएगा कोई रास्ता। श्रीकांत जाधव। अंबाला जिला में प्रयास संस्था की कार्यकारिणी का गठन हुआ। अंबाला से खबर। हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल की रिपोर्ट। हरियाणा प्रांत में बढ़ रहे नशे के प्रति जागरूकता अभियान के लिए प्रयास संस्था शाखा अंबाला का गठन किया गया। अंबाला छावनी में प्रयास संस्था की प्रथम बैठक आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर सुरेश देसवाल को प्रधान, श्री चेत राम बैनीवाल को महासचिव, डॉक्टर सोनिका महिला प्रधान, कुमारी मनीषा महिला महासचिव, उप प्रधान अशोक शर्मा जी को कार्य संचालन के लिए बनाया गया है। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हरियाणा के उप निरीक्षक एवं प्रयास संस्था के संयोजक के रूप में कार्यरत डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्रमुख श्री श्रीकांत जाधव साहब के नेतृत्व में प्रदेश भर में नशे के विरुद्ध छेड़े गए अभियान का आज अंबाला में भी शुभारंभ हो गया है। आईपीएस जाधव की देखरेख में शुरू हुई प्रयास संस्था की इकाई का यहां गठन किया गया। अंबाला में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और प्रयास के बैनर तले जिले में नशे को जड़मूल से नष्ट करने का संकल्प लिया गया। श्रीकांत जाधव प्रदेश से नशे को खत्म करने के लिए प्रदेश के हर जिले में प्रयास संस्था शाखाएं गठित करवा रहे हैं। अब तक फतेहाबाद, सिरसा, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, झांसी और पानीपत में संस्था गठित की जा चुकी है और आज अंबाला में यह पुनीत कार्य हुआ। तू निश्चय तो कर, कदम तो उठा, निकल आएगा कोई रास्ता। ये सिर्फ पंक्तियां ही नहीं बल्कि प्रयास संस्था की भी कहानी है। आईपीएस श्रीकांत जाधव वर्ष 1999 में जब फतेहाबाद में एसपी थे, तब उनके नेतृत्व में फतेहाबाद जिले में नशे को खत्म करने के उद्देश्य से प्रयास संस्था का गठन किया गया था। हर सप्ताह गांवों, कस्बों व शहरों में नशा मुक्ति कैंप का आयोजन किया जाता था और नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को नशा मुक्ति के बारे में जागरूक किया जाता था। इन कैंपों में नशे से ग्रसित लोगों को 15 दिन तक दवाई दी जाती थी और उनके इलाज का पूरा ध्यान रखा जाता था। नशा करने वाले लोगों को इकट्ठा करके उन्हें नशा छोड़ने की शपथ दिलाई जाती थी। बाद में गुप्त सूत्रों से पता लगाकर नशा छोड़ने वाले व्यक्ति को 7-8 हजार रूपए, घर का जरूरी सामान, प्रोत्साहन देकर सम्मानित किया जाता था। जो लोग नहीं मानते थे उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते थे। श्रीकांत जाधव जब तक फतेहाबाद के एसपी थे, उन्होंने पूरे जिले को नशा मुक्त कर दिया था। उनकी जानबाज कार्यों से नशे का कारोबार करने वालों में भय का माहौल बन गया था। उनकी प्रयास संस्था को चलते हुए 22 साल हो गए। इस दौरान उनकी पोस्टिंग जहां भी रही, उन्होंने समय समय पर इस संस्था का मार्गदर्शन किया। अब जैसे ही एडीजीपी जाधव जी को हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का चीफ नियुक्त किया गया, उन्होंने नशे को जड़ से दूर करने के लिए इस संस्था को एक्टिव किया और प्रदेश भर में इसकी शाखाएं स्थापित करने की मुहिम छेड़ दी है।